नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड दिनभर में। आइए डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर एक नजर। आज सीएम हरीश रावत ने विशाल डोभाल को राज्य उड्डयन मंत्री उकाडा का उपाध्यक्ष बनाया। विशाल डोभाल ने गढ़वाल और कुमाऊं के लिए सौगात देते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि गढ़वाल और कुमाऊं में एक एक एयर एम्बुलेंस दी जाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम एक पूरा प्रदेश है और एक पहाड़ी प्रदेश है, तो दो एयर एम्बुलेंस हमें अगर यहाँ पर अपने उत्तराखंड वासियों को दे सके तो ये हरीश रावत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चुनावी सरगर्मियां देख रिलीज किए गए बजट, विधायक निधि से अब तक मिले बजट को विकास कार्यों में लगाने के लिए सभी कार्यदायी संस्थाओं को बजट रिलीज कर दिए गए हैं, जिससे विकास कार्य समय पर पूर्ण हो सके। नशे के खिलाफ मानवाधिकार भ्रष्टाचार निवारक समिति ने छेड़ी नई जंग। समिति के सदस्यों ने प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को नशे के विरुद्ध जागरूक किया। पौड़ी के थैलीसैंड ब्लॉक में 13 वर्षीय नाबालिग को एक शिक्षक ने बनाया अपनी हवस का शिकार। छात्रा के परिजनों ने बीती शाम राजस्व चौकी में तहरीर देकर मामला पंजीकृत कराया, जिसके बाद नाबालिग को पौड़ी के जिला महिला चिकित्सालय में मेडिकल के लिए लाया गया, जहां नाबालिग का उपचार चल रहा है। शिटकुल में स्थित सिद्धांत थर्मोवेयर केमिकल नाम की फैक्ट्री में आज दूसरी बार आग लग गई, जिसे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। हल्द्वानी में हुए 25 नवंबर को बुजुर्ग हीरा सिंह राणा हत्याकांड का आज पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी सुषमा देवी ही निकली पति की हत्या रन। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने राणा की पत्नी सुषमा देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शर्मसार हुई देवभूमि। 22 वर्षीय युवक ने 80 साल की वृद्धा के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों को सूचना मिलते ही परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आज सुबह युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इन तमाम खबरों को आप विस्तार से देख सकते हैं देवभूमि news.com पर।